Hello everyone, this is Roshan. Today I am going to discuss about a very important chapter. Chapter number 3.3, class 11th ka hai, trigonometric phalan. Humare paas question likha hua hai, sin 5x plus sin 3x upon cos 5x plus cos 3x equal tan 4x. Ab hum jante hain sabse pehle ki sin c plus sin d kya hota hai. 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू. यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, साइन फाइव एक्स प्लस साइन थ्री एक्स अपान में लिखा है कॉस फाइव एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस फार्मूले से हम इसको लिख सकते हैं टू साइन, यहाँ पे c की जगह क्या है 5x है, तो 5x प्लस 3x अपॉन 2 cos c माइनस d, मतलब 5x माइनस 3x अपॉन 2 अपॉन cos c प्लस cos d, मतलब 2 cos 5x प्लस 3x अपॉन 2, और यहाँ पे आ जाएगा cos 5x माइनस 3x अपॉन 2. तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा यहाँ से 2 साइन, ये 5 3 के कितना हो जाएगा 8x अपॉन 2, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2x अपॉन 2. इसको लिख सकते हैं 2 कॉस 8x अपॉन 2 कॉस 2x अपॉन 2. 2 से डिवाइड करेंगे 8 को 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 को 1, यहाँ पे भी 4 मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा 1. वी कैन राइट इट, हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन 4x इंटू कॉस x अपान में लिखेंगे 2 कॉस 4x इंटू कॉस x. तो 2 से 2 कैंसिल और कॉस x से कॉस x कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा साइन 4x अपान कॉस 4x हो जाएगा टेन 4x, क्योंकि साइन बटे कॉस क्या होता है टेन थीटा होता है. यदि साइन थीटा बटे कॉस थीटा है तो क्या होता है टेन थीटा. इस तरह से हमारा आरएचएस मिल गया है. तो हम कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर क्या है, आरएचएस. ओके, थैंक यू.